नमस्ते तिवारी जी. नमस्कार भाभी जी. वेलकम वेलकम भाभी जी वेलकम. तिवारी जी आई एम सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया. अरे नहीं नहीं भाभी जी हमें आज तक आपने डिस्टर्ब नहीं किया. हाँ डिस्टर्ब तो इन्होंने किया है. खैर कहिए कैसे तकलीफ की. कॉमन सेंस है या नहीं. उसे भी बेच के खा गए कच्चे बनियान के साथ. ये क्या बकवास कर रहे हैं आप. सही बक रहा हूँ. देख रहे हैं ना गद्दा है तकिया है चादर है तो जाहिर है नहाने तो आए नहीं होंगे सोने ही आए होंगे मजबूरी में आपके घर पे. वो तिवारी जी. अरे नहीं नहीं भाभी जी बिल्कुल हम समझ गए हम समझ गए. हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप हमारे बिस्तर की शोभा बढ़ाएं. मतलब आप और भभूति जी. आइए भाभी जी आइए आइए आइए. वेलकम वेलकम. आइए आइए थोड़ा आराम से हाँ एक स्टेप और रखिए नीचे. आइए चल रहे चलिए यहाँ रखिए चलिए इसको सीधा करिए. क्या कर रहे हैं आप. हेलो भाभी जी. हेलो भभूति जी. हाय दिया अब बहुत ही अच्छा हुआ आप लोग भी यहीं सोने के लिए आ गए. भाभी जी जिंदगी में पहली बार आपके और तिवारी जी के साथ सोने का ये सुख प्राप्त हो रहा है मुझे. आई एम रियली फॉर्चुनेट. बढ़िया हो रहा है ना ठंडा ठंडा हो गया आपका बिल्कुल घर है ना अनीता जी. ऐसा लग रहा है जैसे डिस्टेंपर का महीना हो. पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर. अंगूरे अरे अब तो घर में कूलर भी लग गया फिर भी नहाए चली जा रही हो. सुबह से 15 का आंकड़ा पार कर चुकी हो. बहुत अच्छे तो एक काम करो अपना बोरिया भी इस तरह पैक कर लो तुम्हें कश्मीर छोड़कर आते हैं. नहीं नहीं हम कश्मीर नहीं जाएंगे हमको सर्दी लग जाएगा वहां पर. भैया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कश्मीर चले जाइए ना. भाभी माँ को क्यों कश्मीर भेज रहे. अबे प्रॉब्लम हमें नहीं है प्रॉब्लम तुम्हारी भाभी माँ को है. पहले हमसे कहा कूलर लेके आओ कूलर लेकर आओ. अब कूलर ले आए तब भी नहा रही है. सुबह से 15 बार नहा चुकी है हम तो एक बार भी नहीं नहाए. वैसे भी भैया आपको ना के किसकी शादी में जाना है. आप तो वैसे भी हफ्ते भर नहाते नहीं है. ठीक है चल. वेरी गुड चलो जाओ पढ़ाई करो. हाँ भाभी माँ. अच्छा सुनो हमारे लिए पानी बचा के रखा कि नहीं. हाँ है ना लड़के भैया अब पूरा एक ठोल लोटा पानी बचा है. एक ठोल लोटा. सुबह से 500 लीटर पानी खत्म कर चुकी हो और हमारे लिए बचा के रखा सिर्फ एक ठोल लोटा. अब हम नहाएंगे कैसे पगली. लड्डू भैया अभी लड्डू सही तो कह रहा था कि आप हफ्तों हफ्तों भर तो वैसे भी नहाते ही नहीं हैं. अरे अरे ना अरे अरे अंगूरी का बोली हम हफ्ता हफ्ता भर नहाते नहीं है. है का बोली. हाय भैया ये रसोई में तो आग निकल रहा है. मन कर रहा है अब कूलर को छोड़कर कहीं ना जाए इसके अंदर ही बैठ जाए. कितना गर्मी है. लड्डू कहाँ गया. लड्डू के तो मास्टर जी आने वाले हैं. लड्डू नीचे आओ मास्टर जी आने वाले हैं टेंशन देने. भाभी माँ वो टेंशन नहीं ट्यूशन होता है. ऐसा ही पकड़े हैं. कहाँ थे तुम. भाई माँ मैं वो ऊपर था वीडियो गेम खेल रहा था. नमस्ते मास्टर जी. नमस्ते भाभी जी. गुड मॉर्निंग मास्टर जी. जीते रहो लड्डू. क्या बात है भाभी जी आज आपका घर बहुत ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है. हाँ मासी जी उका है ना हम कूलर लगाए हैं देखिए. अरे ये कूलर कब लेके आया. अलड़के भैया कल रात ही लाए हैं. कमाल है कल हमारा भी कूलर चोरी हो गया था सेम टू सेम ऐसा ही था. हाय दया चोरी हो गया. कैसे. कल हम और हमारी पत्नी विद्या और हमारा बेटा संस्कार तीनों कूलर की ठंडी हवा में सो रहे थे
अचानक से गर्मी सी लगने लगी, नींद खुली तो देखता हूँ कि कूलर ही गायब। बिल्कुल ऐसा ही कूलर था। मास्टर जी, अगर ऐसा है तो नया कूलर ले लीजिए। अरे कहाँ से ले ले लड्डू, मार्केट में कूलर और एसी सारे बिक चुके हैं, एक भी नहीं मिल रहे हैं। वैसे भाभी जी, जहाँ तक हमारा स्मरण है, मार्केट में कूलर आउट ऑफ स्टॉक है, फिर आपके पति ये कूलर कहाँ से ले आए? मैं और तिवारी जी कल दिल्ली से लेकर आए। दिल्ली से लेकर आए जी? कौन से दुकान से लाए? हम दिल्ली कूलर खरीदने गए थे, दुकान या दुकानदार की कुंडली पूछने नहीं गए थे। ये क्या उल्टा जवाब दे रहे हो, तुम में संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? संस्कार की बनाइए आप। देखिए दिमाग मेरा ऑलरेडी बहुत गर्म है और बात बहुत गर्मी पड़ रही है। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि अन्नू का मुंह लाल हो जाता है गर्मी में, उसे कूलर की सख्त जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं कूलर ले जाऊं? नहीं नहीं, अगर आप कूलर ले जाएंगे तो भाभी माँ को गर्मी लगेगी। भाभी, अगर आपको गर्मी लगेगी तो प्लीज आप हमारे घर आ जाइए। नहीं, हम आपको अपना कूलर नहीं ले जाने देंगे। तो बेटा तुम समझे नहीं, ये कूलर मैंने और तिवारी जी ने मिलके चुराया। खरीदा है, यू नो। और जब हमारा झगड़ा हो रहा था कि कूलर किसके पास रहेगा, तो मालूम है झगड़ा किसे सुलझाया था? मास्टर जी ने। मास्टर जी जरा बताइए कि आपने क्या सजेशन दिया था, बताइए जरा। एक दिन कूलर तुम इस्तेमाल करोगे और एक दिन तिवारी जी। That's it. अभी जी ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाइए ले जाइए, अनीता जी के लिए ले जाइए। लेकिन कल रात तुम दोनों हमारे ही घर के बाहर क्यों झगड़ा कर रहे थे? मास्टर जी, झगड़ा करने के लिए टाइम या प्लेस नहीं देखी जाती, झगड़ा कर लिया जाता है या झगड़ा हो जाता है। भाभी जी, जस्ट पुल द प्लग। हम निकाल देते हैं। भैया, हम भी आपकी मदद करते हैं। कल रात ये दोनों हमारे घर के बाहर झगड़ा कर रहे थे और कल रात ही हमारा कूलर चोरी हुआ था। छाछ तो दे यार, उफ, मर गया इतनी गर्मी। अरे नाना साहब, हम कह रहे हैं ना आपसे, अरे आप भी फिक्र रहो। अरे दादा, ऐसे हुए साहब, हमने छानबीन शुरू कर दी है और कसम से कह रहे, भूप सिंह मार साहब को कूलर जॉन ने चुरा हुए ना, वो कानून की नजर से बच ना पाएगू हैं। अरे अरे, हम कह रहे हैं ना साहब, सारे को लटका के उल्टो ऐसी ऐसी जगह मारेंगे कि आप सोच नहीं सकते कैसी कैसी जगह मारेंगे। हाओ साहब, हैं, रुको साहब, जैन साहब, जैन साहब, हाओ 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 जैन साहब। अरे दादा, ऐसी गर्मी पड़ रही है, ओए एक ठैये बना तो ना, छाछ बढ़िया सी पुदीना डाल दियो। दरोगा जी कहाँ उलझे हुए थे? अरे का बताएं भैया तेवा, अरे यार तुम्हारी तो सोचो पूरी शर्ट गीली है। का बताएं यार, भैया ना अपने भूप सिंह मार साहब, हाँ, हद हो गई चिंदी चोरी की, कछु नहीं मिलो तो ससुर उनको कूलर ही चुरा के ले गए। क्या है ना दरोगा जी, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटे छोटे हादसे तो होते रहते हैं। हम जो कह रहे हैं कि का बताएं, हादसों तो छोटो मोटो है, लेकिन क्या करें, वे है ना जो भूप सिंह मार साहब, उनने हमारे बड़े साहब से शिकायत कर दी ससुर। हाँ। अब चक्कर का भाव कि जो हमारे बड़े साहब हैं, उनको लौंडा भूप सिंह मार साहब को स्टूडेंट निकल हुए, तो चिरांद फैल गई है। अब उनने कहा करो, वो हमें डकैती वालों केस है वहां से हटा के जब कूलर के केस में लगाता हुए, अब ससुर दुनिया तो कूलर में सो रही है, हम ससुर कूलर ढूंढ रहे हैं। ससुर, अच्छा दरोगा जी, हाँ, ये भूप सिंह मां साहब का जो कूलर जिसने चुराया है, मतलब जिसने भी चुराया है वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतनी उम्मीद है, इतना हम कह सकते हैं कि उस कातिल को आप नहीं पकड़ सकते। नो। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।